तो दिल्ली से बड़ी खबर है, जो दिल्ली में लीव इन पार्टनर की हत्या करने वाला गिरफ्तार हो गया है। पंजाब से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, इसे जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड के बाद आरोपी ने की थी हत्या, चापड़ से गले और मुंह पर किए थे वार, पार्टनर की बेटी को दी थी नींद की गोलियां, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें लीव इन पार्टनर के टुकड़े करना चाहता था युवक। तिलक नगर इलाके में कल एक घर में लाश भी मिली है, यानी शव मिला है। तो दिल्ली में लीव इन पार्टनर की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड देखने के बाद ये साजिश रची गई, बताया जा रहा है कि लीव इन पार्टनर की हत्या की ये साजिश थी। चापड़ खरीद कर लीव इन पार्टनर के गले और जबड़े पर हमला भी किया, लीव इन पार्टनर की 16 वर्षीय बेटी को नींद की गोलियां भी दी थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लीव इन पार्टनर के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था आरोपी, मगर इसीलिए वो नाकाम हो गया क्योंकि दिल्ली के तिलक नगर इलाके में कल एक महिला की लाश घर पर मिली है, यानी उनका शव मिला है। मामला तिलक नगर थाना क्षेत्र के गणेश नगर इलाके का था। रेखा नाम की महिला के बारे में पता चला था कि उसके लीव इन पार्टनर ने उसकी गला काट कर हत्या कर दी है। यही नहीं, धारदार हथियार से महिला के जबड़े पर भी हमला किया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी लीव इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच ने पंजाब से की, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें आरोपी का नाम मनप्रीत है, जो पहले भी अपहरण और हत्या के मामले में शामिल रहा है। इस मामले में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल आरोपी मनप्रीत के बारे में पुलिस ने ये बताया है कि वह दिल्ली में सेकेंड हैंड कारों की खरीद फरोख्त भी किया करता था। उसके पिता यूएस ने, आपको बता दें कि यूएस में बसे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। उसकी शादी 2006 में हुई थी पत्नी से, उसके दो बेटे भी हैं, लेकिन साल 2015 में रेखा नाम की महिला के संपर्क में वो आया और दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। मनप्रीत ने इसके बाद गणेश नगर में एक मकान किराए पर ले लिया, जिसमें और रेखा के साथ वो रहने लगा, लीव इन में वो रहने लगा। धीरे धीरे उसे लगा कि वह अब इस रिश्ते में फंसा हुआ है, इसीलिए उसने रेखा को खत्म करने का प्लान बनाया। 1 दिसंबर की रात को उसने फ्लैट में पहुंचकर रेखा की 16 वर्षीय बेटी को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसको सुला दिया, जिसके बाद उसने रेखा की उस चापड़ से हत्या कर दी, जो उसने कुछ समय पहले इसीलिए खरीदा था। पुलिस को शक है कि आरोपी ने श्रद्धा हत्याकांड देखने के बाद इस प्लान को ताना बाना गुना है। आपको बता दें कि इसीलिए उसने चापड़ भी खरीदा था, उसकी प्लानिंग कुछ वैसी ही थी, मगर घर में मौजूद 16 वर्षीय लड़की की वजह से उसने वारदात अंजाम देकर लेकिन वो फरार हो गया। तो देखिए ये बड़ा मामला है। आपको बता दें कि पंजाब से हत्यारा गिरफ्तार भी हो गया है, जहां पर श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही एक मामला सामने आया। हालांकि ये साजिश जो रची गई वो बताया जा रहा है कि श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही रची जा रही थी। तो दिल्ली से लवली बख्शी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। लवली, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि पंजाब से अब आरोपी मनप्रीत गिरफ्तार हो गया है। उसने अपनी लीव इन पार्टनर की हत्या की, हालांकि वो वहां से फरार हो गया, लेकिन वो उसी फिराक में था कि वो भी श्रद्धा की तरह ही उसके टुकड़े कर सके। देखिए, राजधानी दिल्ली के अंदर अभी श्रद्धा हत्या केस अभी थमा ही नहीं था, तो उसी तरीके से दूसरा एक हत्याकांड सामने आया है, जिसके अंदर एक शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर को मारकर उसके फिर दोबारा टुकड़े करने की कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर वो टुकड़े करने के अंदर नाकामयाब रह गया। मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं, इस घर का एड्रेस है 161 गणेश नगर तिलंगर। इसी घर के अंदर शख्स मनप्रीत अपने लिव इन पार्टनर रेखा के साथ तकरीबन 7 से 8 सालों में लिव इन रिलेशन के अंदर रहता था, और आरोपी के पहले से शादीशुदा है। वर्ष 2006 में उसकी शादी हुई थी, उसके दो बेटे हैं और रेखा की भी एक 16 वर्ष की लड़की है, और 2015 के अंदर ये रेखा के साथ संबंध के अंदर आया, तब से ये लिव इन रिलेशन में रहा। मनप्रीत का बैकग्राउंड बताया तो मनप्रीत भी पहले से कई जघन्य अपराधों के अंदर शामिल रहे, चाहे वो हत्या के प्रयास का मामला हो और एक्सट्रॉर्शन का मामला हो, आर्म्स एक्ट का मामला हो।
जिस समय इसने हत्या करी उससे पहले इसने जो 16 वर्षीय लड़की थी रेखा की उसको नीम की गोलियां देके सुलाया, उसके बाद इसने हत्या कर चापड़ खरीदा, चापड़ से इसने उसके जबाड़े पे और गले के अंदर वार करके हत्या के वारदात को अंजाम दिया, लेकिन शव के टुकड़े करने में नाकामयाब रहा। लेकिन उसके बाद ये मामला तिलकनगर थाने के अंदर दर्ज हुआ और मामले की कार्रवाई दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने करी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीजीपी रोहित मीना के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुनील कुमार रोहिला की टीम जगह जगह सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया। उसके बाद पंजाब पटियाला के अंदर इसकी लोकेशन बरामद हुई, जिसमें अपनी I-20 कार के अंदर हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद वहां फरार हो गया था। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और जो टूल टैक्स है वहां से सीसीटीवी फुटेज करा के इस आरोपी को वहां से धर दबोचा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस से इसे और पूछताछ कर रही है। बिल्कुल लवली, क्योंकि कई ऐसे मामले जो उस पर ऑलरेडी दर्ज थे, तो क्या वो बेल पर चल रहा था या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, गिरफ्तारी नहीं हुई थी इस आरोपी की? देखिए, ये जो शख्स था मनप्रीत, ये आपराधिक मामलों का एक शख्स था और इसके ऊपर पहले से 6 मामले चल रहे थे और इसका जो काम था उसका जो काम था पुरानी गाड़ियों का सेल परचेज करके उनको फाइनेंस किया करते था और इसको लेके अलग अलग जगह पे इसके आपराधिक मामले चल रहे थे। और अभी हमने जिस किराए के मकान पे ये रहते थे इनके मकान मालिक से भी बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर कई बार पुलिस मनप्रीत को ढूंढते और पूछते हुए आ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि मनप्रीत पहले भी और कई केसों के अंदर वांछित चल रहा था या फिर उसको पुलिस पूछने आ रही थी। बिल्कुल, और पुलिस की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा गया है, क्योंकि उसकी जो फिराक थी वो इस फिराक में था क्योंकि इसने चापड़ ही इस वजह से खरीदा था कि यानी कि वो प्री प्लान्ड, तो एक तो प्री प्लान्ड मर्डर है, उसके बाद चापड़ इसलिए खरीदा गया क्योंकि वो श्रद्धा की तरह ही उसके टुकड़े कर सके। हालांकि बेटी को नींद की दवाई देकर सुला दिया गया था, इसलिए वो मौके से फरार हो गया। देखिए, ये जो हत्या वारदात को अंजाम दिए सारी सोची समझी साजिश थी, उसी के करके उनने पहले चौपर खरीदा, चौपर के साथ उन्होंने गोलियां करी थी, तो गोलियां उसको लड़की को दी है, लड़की का नाम शिल्पी है, उसको दी है, उसको देके उसने सुलाया है। और रेखा के साथ जो मनप्रीत था अपने रिलेशन को लेकर काफी समय से इनसिक्योर महसूस कर रहा था, जिसके चलते कई बार इनकी आपस के अंदर लड़ाई झगड़े भी पैसे को लेकर चलते थे क्योंकि रेखा इनसे पैसे मांगती थी, तो इस ये वजह भी बताई जाती है। बिल्कुल, और इसके अलावा जो बेटी है उसका क्या क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से उसके सामने यानी कि घर पे उसके रहते ही उसकी मौजूदगी में ही, हालांकि नींद की दवाई देकर उसको सुला दिया गया था, लेकिन ये जो पूरी वारदात की गई है, ऐसे में बेटी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि अभी आपने ही बताया कि झगड़े हुआ करते थे काफी। देखिए, जिस वक्त 1 तारीख सवेरे 6 बजे जब बेटी सो के उठी है तो उसने अपने घर के अंदर ये वारदात देखी अपनी माँ के, तब उसने अपने जानकारों को रिश्तेदारों को पुलिस को इत्तला देने के बाद उसने शक जताया मनप्रीत के ऊपर, क्योंकि मनप्रीत एक दिन पहले घर पर था और मनप्रीत से पहले भी होते थे। फिर मनप्रीत के ऊपर शक के ऊपर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू करी, तो जांच के अंदर मनप्रीत ही दोषी पाया। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या कभी इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ कि ये इस फिराक पर है ये आरोपी, कि एक समय ऐसा आएगा कि वो गला रेत कर हत्या कर देगा, क्या इससे पहले कभी ऐसा शक हुआ? देखिए, जहाँ पर ये रह रहे थे यहाँ पे मकान मालिक का कहना है कि ये दोनों आए थे मकान किराए पे देने के लिए, इन्होंने कहा हमारी एक बेटी है और मनप्रीत ने कहा जी मैं बाहर काम करता हूँ, मैं कभी कभी यहाँ आया करूंगा, तो जैसी बात है लिविंग रिलेशन के अंदर रह रहा था मनप्रीत, कभी 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 पुलिस आना जाना शोर शराबा ये अक्सर चलता रहता था, ये हमारे को इस मकान के ओनर ने बताया। बिल्कुल, और लेकिन देखिए ये बताया जा रहा है कि 2015 में वो रेखा नाम की इस महिला से ही मिला था और उसके बाद दोनों लिव इन में रहने लगे और इससे पहले भी वो शादीशुदा था। तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ डिटेल्स आपके सामने आ पाई है? देखिए, जो मनप्रीत है मनप्रीत रहने वाला है और पश्चिम बिहार में उसका घर है और 2006 के अंदर उसकी शादी थी जिसमें उसकी पहली पत्नी थे, उसके दो बेटे हैं। 2015 के अंदर रेखा से वो मिला, उसके बाद ये दोनों लिविंग रिलेशन के अंदर रहने लग पड़े, उसके बाद कई बार इस घर के अंदर इस घर को किराए पे लिया और हम आपको तो बात बता दें कि इस घर को किराए पे लेने के बाद इस घर का किराया भी नहीं दिया उसको लेकर, ये इस घर का भी मालिक से चलता रहा और इन्होंने इस घर को भी एक हिसाब से कब्जा था। बिल्कुल लवली, लेकिन अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जाता है वो देखना होगा। हालांकि ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। सर हो गए यहाँ रहते हुए।
जब ये आए थे ये किसी और इंसान के साथ आई थी, बोल गए कि ये मेरा हस्बैंड है और इनके साथ एक छोटी बच्ची की भी है, हमारी बेटी है, तो हमने इनको किराए पे मकान दे दिया। और इनके हस्बैंड जो भी बनकर आए थे उन्होंने ये बोला था कि मैं तो बाहर ही रहता हूँ, मेरा कोई फूलों का कुछ काम है तो मैं कहाँ आऊँगा, ये लोग दोनों ही रहेंगे। लेकिन वो तो शुरू से ही आए नहीं, उसके बाद मंत्री थे जो वो आते जाते थे यहाँ में, जब ऐसे कुछ केस बेस होने लगे, यहाँ पुलिस वगैरह आने लगे थे कुछ महीने के बाद, तो फिर हम लोगों ने इनको 11 महीने के बाद बोला कि आप मकान खाली कर दीजिए, उनको कंटिन्यू नहीं करना, तो उन्होंने खाली नहीं किया। उसके बाद फिर हमारा केस चल रहा है 7 साल।